Good morning, everyone. Continuing with our lecture, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक आपने अगर एज ए एडजस्टमेंट गिवन है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो आपने कहाँ कहाँ शो करना है, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो आपने कहाँ कहाँ शो करना है, ये हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में. एडजस्टमेंट की तरह अगर वो गिवन है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यू कब कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब है कि आपने उसे कैलकुलेट किया है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ क्लोजिंग एंट्रीज, जो भी रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट से, मतलब जो भी आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके डेबिट साइड में चीज़ें लिखी हैं उनको आप क्लोज कैसे करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपने चीज़ें डेबिट साइड पे लिखी हैं उनके नाम आ जाएंगे, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कोल गैस एंड वाटर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑक्ट्राई अकाउंट, कस्टम ड्यूटी अकाउंट, फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट एक्सेट्रा. क्लोजिंग एंट्री उन अकाउंट्स के लिए जो आपने क्रेडिट साइड पे लिखी है ट्रेडिंग अकाउंट की, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. देन परचेजेस, रिटर्न अकाउंट, या जो हम जिसे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कहते हैं, उसे भी आपको क्लोज करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग इट टू परचेजेस अकाउंट. उसके लिए एंट्री क्या है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. सेम तरीके से जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसे आपने आपको क्लोज करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करके करने के, इसके लिए एंट्री जो है दैट इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. देन ये सारी एंट्रीज प्रिपेयर करने के बाद, पास करने के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, अगर आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है ट्रेडिंग अकाउंट का वो ज़्यादा है आपके डेबिट साइड के टोटल से, तो जो डिफरेंस है वो कहलाया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर उल्टा है कि जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा उसे हम ग्रॉस लॉस कहेंगे. उसके बाद जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एंट्री पास करके हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं. उसके लिए एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपका ग्रॉस लॉस है. ये है आपका फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं, यहाँ पे ईयर लिखने का मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो रिजल्ट शो कर रहा है वो पूरे ईयर के आपको शो कर रहा है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स अमाउंट ये डेबिट साइड हो गई, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट साइड का पोर्शन हो गया. तो क्या क्या आइटम्स आएंगी डेबिट साइड पे, वही जो भी हमने ऊपर डिस्कस की, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटपुट जिसे हम कहते हैं, टू वेजेस एंड सैलरीज, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, टू कैरेज और कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेजेस, देन टू कोल गैस एंड पावर, टू फ्राइट ऑक्ट्राई एंड कार्ट्रेज, देन कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी, टू एक्साइज ड्यूटी, टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, टू फैक्ट्री लाइटिंग एंड फैक्ट्री रेंट, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की थी दैट इज़ सिर्फ कैरेज इनवर्ड, या जो कैरेज आपका परचेजेस पे है वो आएगा, ऑन सेल्स है तो उस पर हम यहाँ उसको हम शो नहीं करते हैं. क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, या रिटर्न इनवर्ड को ही सेल्स रिटर्न हम कहते हैं. देन बाय क्लोजिंग स्टॉक्स, दोनों साइड्स को कंपेयर आप करेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी. लॉस है तो बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट. अब इसमें जो चीज़ें हैं दैट इज
एट द टॉप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्या लिखा था, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पूरे ईयर के लिए बनाया जाता है, किसी सिंगल डे के लिए नहीं बनाया जाता है। दूसरा, डेट का कॉलम हम यहाँ प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम किससे बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से बना रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट पेज नंबर का कॉलम भी शो नहीं होता, क्योंकि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, नॉट फ्रॉम लेजर। इक्वेशन हम देख लेते हैं इसका। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। अब आइटम्स देखते हैं हम कहाँ कहाँ ट्रांसफर होंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेजेस डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, वेजेस डेबिट साइड, कैरेज ऑन परचेजेस डेबिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड, फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, परचेजेस रिटर्न परचेजेस में से माइनस हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएंगी, कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, गैस फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है डेबिट साइड, डॉक चार्जेस डेबिट साइड। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो बाहर गिवन है तो यहाँ पे तो हमें खाली क्या बोला क्वेश्चन में कि आपने खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना है तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होगा क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बैलेंस शीट में भी शो होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि हमें खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहे हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ जो आगे जाके भी रिपीट होगी, दैट इज़ कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई चीज़ गिवन है तो इसका मतलब है कि वो एडजस्टमेंट है, और कोई भी एडजस्टमेंट का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट दो जगह पे होता है, उसे दो जगह आप शो करते हैं, और अगर वो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उसे हम सिर्फ एक जगह पर शो करते हैं। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। नेट प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चला ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर, तो उसे हम शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो उसे हम शो करते हैं डेबिट साइड पे। P&L अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं बिजनेस के उसे हम डेबिट करते हैं P&L अकाउंट में, और जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे उन्हें हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हो गए। उनको छोड़ के बाकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस बचे हैं उन्हें हम P&L अकाउंट में लिखते हैं, और उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहते हैं। ये किस लिए इनकर होते हैं? फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स। देन जो भी आपका इनकम एंड गेन है उसे हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन अगर आपकी जो क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उसका टोटल ज़्यादा है आपकी डेबिट साइड से, तो जो भी डिफरेंस का अमाउंट होगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो जो अमाउंट है दैट इज नेट लॉस। इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, जो आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। देन नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? सबसे पहला, नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। मेन पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का कि ये जानना कि कितना आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज़ से एट द एंड ऑफ द ईयर। इसीलिए ज़रूरी है फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस P&L अकाउंट को बनाना। देन कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपके पिछले सालों के साथ, और उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर के लिए पॉलिसी को फॉर्म कर सकते हैं। देन कंट्रोल ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एवरी ईयर बनाते हैं, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसे आप लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस से कंपेयर कर सकते हैं, और जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट और लॉस आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और वहाँ से जो भी आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा उसे आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। जो कैपिटल अकाउंट है वो शो होता है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ज़रूरी है
पी एंड एल अकाउंट बनाना। पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे हमने बात कर ली कि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड पे आप सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाएंगे और क्रेडिट साइड पे आप सारे इनकम्स एंड गेंस दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हम शो करते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। वो हेडिंग्स क्या हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब दो साइड्स होती हैं इसकी, डेबिट और क्रेडिट। क्या क्या शो होगा? डेबिट साइड पे हम क्या शो करते हैं? ग्रॉस लॉस जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं? जो एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हैं ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, ऑपरेशन फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस जो आप इनकर कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, उन्हें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं, जैसे पैकिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड कमीशन, कैरेज ऑन सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो अदर सारे एक्सपेंसेस बचे उन्हें हम अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग में लिख देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैंक एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, रिपेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डोनेशन एक्सेट्रा। क्रेडिट साइड में हम क्या क्या शो करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट जो आप ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। देन इसके अलावा जो भी आपकी अदर रेवेन्यू रिसिप्ट हैं उन्हें हम यहाँ पर शो करेंगे, जैसे रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं हम। यहाँ भी आप क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नेम जो भी फॉर्म का है, कंपनी का है, देन फॉर द ईयर एंडेड, ये भी पूरे साल के लिए की एक्टिविटीज़ के ऑपरेशंस को आप शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे साल के लिए बनता है फॉर द ईयर एंडेड। देन डेबिट साइड पे हम क्या क्या शो कर रहे हैं? टू ग्रॉस लॉस बॉट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट से जो आप लेके आए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में टू सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, अनएक्सपायर्ड वेजेस, लाइटिंग, रेंट, रेट, टैक्सेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में गो डाउन रेंट, कैरेज ऑन सेल्स और कैरेज आउटवर्ड, देन एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखिए कैरेज ऑन सेल्स यहाँ पर आया है, और ये जो गोडाउन रेंट है ये कौन से गोडाउन का रेंट है? जहाँ पे आपका जो गुड्स है वो किसके लिए पड़ा है? सेल्स के लिए पड़ा है, वो वाला रेंट हम यहाँ पे इंक्लूड करें। मैन्युफैक्चरिंग वाला रेंट हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। देन बैड डेब्ट, सेल्स टैक्स, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी व्हेन, अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, एंड टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्रेडिट साइड में हमने इनकम एंड गेंस हम शो करते हैं, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, देन बाय रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अप्रेंटिस प्रीमियम, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे, तो अगर प्रॉफिट आया है तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस आया है तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस को यहाँ पे लिखा जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर जो ऑनर है उसकी पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा है, तो उसे हम यहाँ पर शो नहीं करते क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उनको हम जो पर्सन है उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करते हैं क्योंकि वो उसकी ड्रॉइंग्स हैं। और सभी एक्सपेंसेस जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किए हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इसका ये जो क्वेश्चन है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।